महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा के विरोध में दलित संगठनों ने आज प्रदेश बंद बुलाया है। बंद का असर मुंबई, पुणे और औरंगाबाद में ज्यादा है। हालांकि कहीं से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बंद के मद्देनजर राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सरकारी बसें न चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सुबह गोरेगांव, विरार, ठाणे, नलासपुर में ट्रेनें रोकी, लेकिन फिलहाल इन इलाकों में ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई है। मुंबई में आज एसी लोकल नहीं चलेगी। बेस्ट की बसों पर भी बंद का थोड़ा सा असर है। ताकि कुल 3664 सेवाओं में से 2600 सेवाएं चालू हैं। हाटकोपर और चैम्बूर में सुबह रास्ता रोका गया, लेकिन किसी नुकसान या हिंसा की खबर नहीं है। की घटना के बाद औरंगाबाद में धारा 144 दी गई थी। हाँ, आज इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ठाणे में सुबह शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला गया, लेकिन दोपहर तक कुछ बसों में तोड़फोड़ की खबर आई। आपको बता दें कि इस बंद में दलित समुदाय के लोग अकेले नहीं हैं, उन्हें इसमें मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। औरंगाबाद के MIM विधायक इम्तियाज जलील ने इस हिंसा में दलितों के साथ हुए भेदभाव की निंदा की है। हिंसा में मीम विधायक ने भगवा आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कल हिंसा में घायल हुए दलितों के साथ अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी और दलितों से कहा था कि उनके साथ हुए जातीय भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस बंद में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि इस बंद में शांतिपूर्ण तरीके से दलित भाइयों का साथ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।